all are fine. Welcome to class KG. I am your teacher Khadija Nazir. आज हम countdown की book का काम करेंगे. ये आपकी countdown की book है. सबसे पहले हम इसे खोलेंगे और देखेंगे कि हमने इसमें क्या काम करना है. आज हम करेंगे पेज नंबर 9. ठीक है. सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले हम पेज में क्या लिखते हैं, डेट. सबसे पहले डेट लिखेंगे. आज क्या डेट है, 7 अगस्त 2020. इसके बाद देखेंगे कि हमने इस पेज में क्या काम करना है. ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ. मैच द गिवन शेप्स बाय ड्राइंग लाइंस. कह रहे हैं ये जो शेप्स हैं इनको आप मैच करें, मिलाएं, लाइंस बनाते हुए इनको मिलाना है. ठीक है, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए उन्होंने किया हुआ है. ये देखें, यहाँ पर शेप्स उन्होंने बनाई हुई हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ होल हाफ होल. हाफ का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना आप लोगों को. हाफ का मतलब होता है आधा, होल का मतलब होता है पूरा. ठीक है, पूरा, हाफ आधा, होल पूरा, हाफ आधा, होल पूरा. हाफ का क्या मतलब होता है, आधा, याद रखिएगा. ठीक है, हाफ का मतलब होता है आधा और होल का मतलब होता है पूरा. उन्होंने कहा है एक आपके लिए किया हुआ है. तो ये यहाँ पे क्या था, स्क्वायर बना हुआ था. ये आधा स्क्वायर है या पूरा है, ये पूरा है ना. तो यहाँ पर लिखा हुआ था होल. होल का क्या मतलब होता है, पूरा. तो इन्होंने इस स्क्वायर को इसके साथ मिला दिया, लाइन बनाते हुए मिला दिया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये ऐसी शक्ल बनी हुई है. ठीक है, मतलब ऐसी शेप बनी हुई है. ये पूरी है या आधी है, ये आधी है ना. तो आधी को क्या कहते हैं, हाफ. तो हम इसे किसके साथ मैच करेंगे, हाफ के साथ. तो यहाँ पर ये हाफ लिखा है ना, हम इसके साथ मैच करेंगे इसको, और किसी दूसरे हाफ के साथ नहीं. ठीक है ना, इसी हाफ के साथ इसे हमने मैच करना है, मिलाना है ऐसे. इसके बाद ये सर्कल बना हुआ है, आप देख के बताएं कि ये पूरा है या आधा है. ये सर्कल पूरा है ना, तो पूरे को हम क्या कहते हैं, होल. क्या कहते हैं, होल. तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ और यहाँ पर लिखा हुआ है होल. तो किसके साथ मैच करेंगे, होल के साथ. इस सर्कल को होल के साथ ऐसे मैच कर देना है. इसके बाद यहाँ पर फ्लावर बना हुआ है. ये फ्लावर मुझे बताएं आधा है या पूरा है. ये फ्लावर आधा बना हुआ है, तो आधे को क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं ना. तो ये लिखा हुआ है हाफ, ये लिखा हुआ है होल. तो हम किसके साथ मैच करेंगे, किसके साथ मिलाएंगे, इस हाफ फ्लावर को हम हाफ के साथ ही मिलाएंगे. आधा है ना, तो हाफ है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल बना हुआ है, नज़र आ रहा है आपको, रेक्टेंगल है. ये मुझे बताएं कि ये होल है कि हाफ है, आधा है कि पूरा है. ये पूरा है. ठीक है, होल है. यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ, यहाँ पर लिखा हुआ है होल. तो हम इसे होल के साथ मैच कर देंगे. इसके बाद यहाँ पर एप्पल बना हुआ है. ये एप्पल आधा है कि पूरा, आधा है ना. तो आधे को हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं. तो इस आधे सेब को हम यहाँ पर जो हाफ लिखा हुआ है उसके साथ मैच कर देंगे, मिला देंगे. ठीक है, ये मैचिंग वाला काम हमने कर लिया. इसके बाद हम इन शेप्स पर कलर भी करेंगे. ठीक है, अब हम कलर करना स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पर हम करेंगे ऑरेंज कलर, इस स्क्वायर पर जो फोल्ड था, मतलब होल था, होल. ठीक है, होल था, पूरा था ना. ऐसे इस पर हम कौन सा कलर कर रहे हैं, इस पर हम ऑरेंज कलर कर रहे हैं. ठीक है, ऑरेंज कलर किया हमने इस होल स्क्वायर पर, होल
होल का मतलब होता है पूरा मुकम्मल, ठीक है, पूरा है ये, ठीक है। इसके बाद इस हाफ सर्कल पर हमने किया पेंट कलर, ऐसे हाफ है ये, इस पर पेंट कलर। उसके बाद ये सर्कल होल है, पूरा है, ठीक है, होल। इस पर हमने किया लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर कर दिया ऐसे। इसके बाद इस फ्लावर का कलर किया हुआ है। इसके बाद ये है स्क्वायर, सॉरी ये है रेक्टेंगल, स्क्वायर ऊपर था, ये रेक्टेंगल है। इस पर भी ऑरेंज कलर ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ऑरेंज कलर ऊपर स्क्वायर पर भी किया है और नीचे रेक्टेंगल पर भी करेंगे। और ये दोनों के दोनों होल हैं, ठीक है, पूरे हैं ना, होल हैं, ये हाफ नहीं है ना। ये कलर हमने कर लिए। और नीचे एप्पल है, एप्पल पर पहले से कलर किया हुआ है। आज हमने पेज नंबर 9 किया है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।